इंदौर में ठगोरियों के साथ मिलकर आम लोग के साथ लोन दिलाने के नाम धोखाधड़ी करने वाले आंध्रा बैंक के बैंक मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साल 2019 में सहयोगितागंज पुलिस के बैंक मैनेजर राजकुमार मीणा के खिलाफ 5 अलग अलग शिकायत मिली थी, जिसकी पड़ताल में सामने आया था बैंक मैनेजर फर्जी तरीके से लोन अप्रूव कराकर ठगी कर रहा है। इंदौर की सहयोगितागंज पुलिस और क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के जयपुर आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लोन के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी आंध्रा बैंक मैनेजर राजकुमार मीणा को सहयोगितागंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिल्डर भाइयों के साथ मिलकर बैंक मैनेजर द्वारा चाय वाले सहित कई लोगों के साथ लोन के नाम पर ठगी की थी। सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में स्थित आंध्रा की छावनी शाखा बैंक के बैंक मैनेजर राजकुमार मीणा द्वारा गुरदीप सिंह चावला, रणदीप सिंह चावला सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर बैंक लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी, जिसको लेकर सहयोगितागंज थाने पर आरोपी के खिलाफ अलग अलग फरियादों द्वारा 5 FIR 2019 में दर्ज कराई थी। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि आरोपी राजस्थान के जयपुर में रह रहा है, जिसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच और सहयोगितागंज थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी बैंक मैनेजर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर राजकुमार मीणा, गुरदीप सिंह चावला, रणवीर सिंह चावला और उनके अन्य साथियों ने चाय का ठेला लगाने वाले स्क्रिप्ट राइटर सहित अन्य लोगों के साथ लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की है, जिसके बाद से ही बैंक मैनेजर राजकुमार मीणा फरार था। फिलहाल सहयोगितागंज पुलिस बैंक मैनेजर राजकुमार को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। बैंक मैनेजर द्वारा पूछताछ में बताया गया कि और भी करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आए हैं। सहयोगितागंज थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि रिमांड में मुख्य आरोपी से पूरे मामले में कड़ी पूछताछ की जाएगी और साथ ही इनामी बैंक मैनेजर के अन्य साथियों का भी पता लगाया जाएगा। सर, धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कराया, कितने लाख की धोखाधड़ी करी? ये वर्ष 2019 में 5 प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें लोन दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी, हेर फेर किया गया था। इसमें आरोपी राजकुमार मीणा जो बैंक मैनेजर थे, ये तब से ही फरार थे। तो क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते उनको जयपुर से गिरफ्तार किया गया है और प्रकरण में अभी विवेचना की जा रही है। सर, अभी इनको 12 तारीख तक PR पर लिया गया है और PR के दौरान इनसे पूछताछ की जा रही है। तो अभी एक प्रकरण है जिसमें 40 लाख की ठगी की थी, उसके संबंध में पूछताछ जा रही, फिर बाद में 1.5 करोड़ का भी प्रकरण है, उसमें भी PR लिया जाएगा। अभी जो इनके द्वारा क्या कृत्य किए गए हैं और उसके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं। सर, क्या बैकग्राउंड क्या आरोपी का? आरोपी आंध्रा बैंक में मैनेजर के पद पे था और अपने पदे जो करते हुए था उनमें लापरवाही की थी और आरोपियों के साथ मिलकर गबन किया। तो धोखाधड़ी कैसे करता था ये? क्या लोगों से पैसे लोन दिलाने के नाम? दूसरे आरोपी थे, वो एजेंट थे, वो लोगों को लेके आते थे, उनसे कागज वागज लेके उनके नाम पर लोन ले लेते थे और लोन लेने के बाद में फिर जो काम करने के लिए लोन मिलता था वो नहीं करके दूसरे कामों में पैसा खर्च कर देते थे। सर, आरोपी पर 40,000 का भी इनाम घोषित कर रखा था, तो इसमें अलग-अलग के दौरान कुछ वारदात अंजाम दिया? नहीं, फरारी के दौरान तो ये छुप के रहकर अपना पहचान छुपा कर रह रहा था और अभी इसकी जानकारी ली जा रही है। अगर कोई अन्य अपराध किया होगा तो वो भी जानकारी ली जा रही है।